तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज है दिन जुमरात का, बुध को नहीं निकाला था गाड़ी और जुमरात के दिन निकाल रहे हैं। और एक तो राइड है जो कि मतलब मेरा रेगुलर है, कभी कभी जाता रहता है, तो वो कस्टमर को लेके जाना है यहाँ से 70 किलोमीटर, मतलब वही नौतन हाट के साइड में। तो अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं और उनको पिकअप करेंगे, उसके बाद निकलते हैं सीधा टानते हुए, ट्रिप को कर लेते हैं ज़ीरो। ज़ीरो ट्रिप हो चुका है। तो भाई सुबह का टाइम पे ओस देखो, रास्ते में ओस आ गई, मतलब ठंड आ गई है लगभग। तो अभी जा रहे हैं, नाश्ता करने के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ खाए पिए नहीं, बिना नहीं करते। तो गाइस आ चुके हैं बरेईपुर में और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, चेक करो। पर टाइम हो गया है, ये देखो आ गया 7:45, मतलब 8 बजने में 10 मिनट बाद चाहिए। और गाड़ी को सुबह सुबह साफ़ सफाई कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। तो होटल में, ये वाला होटल में खाना खाने के लिए रुके हो, नाश्ता करने के लिए नाश्ता नहीं करेंगे। और इसको देखो पड़ा हुआ है, देखो कितना आराम से पड़ा हुआ गाड़ी में। वैसे गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी थोड़ी गंदी है यहाँ पे। आज मतलब शाम के 4-5 बज जाएंगे क्योंकि उस दिन तो संडे था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी पहुँच गए थे, आज लेट होगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और आगे की क्या जर्नी रहती है, सब बता दूंगा मैं आप लोगों को। और अभी किलोमीटर देख रहे हो गाड़ी का, अपना किलोमीटर चल गया है 40, ये देखो। तो गाइस आ चुके हैं नूतन हाट में, ये देख करो रेल फाटक गिरा हुआ है। जो कस्टमर था उन लोगों को ड्रॉप कर दिया, अब गाड़ी को करना है पार्किंग और उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर वेट करेंगे 1-1.5 घंटा में जो भी काम हो जाएगा। आज बहुत जल्दी घर पहुँच जाएंगे क्योंकि यहाँ से सीधा रिटर्न घर जाना है। तो अभी गाड़ी अपनी चली है 57 चल चुकी है, मतलब 58 के लगभग। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगने वाला है। जब तक थोड़ा सा यहाँ पे रुक के कोई दुकान वकान मिलेगा तो वही चाय पियेंगे फिर से। तो गाइस मिल चुकी है अपनी गाड़ी को जगह और ये देखो बगल में रेल फाटक है, मतलब स्टेशन ही है नूतन हाट स्टेशन, और इसके साइड में ये वाली जगह है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी लग गई है सेफली और छाया भी है, थोड़ी देर में धूप आने वाली है। तो थोड़ा सा पीछे में जगह रखी है, ये टाटा ए सी दिख रही है, इसके पास में ही जगह है थोड़ी सी। तो देखते हैं, अभी तो धूप आ नहीं रही है तो अभी यहीं पे वेट करेंगे। और ये देखो कुछ बाहर का व्यू इस तरीके का है। अभी तक कुहासा यहाँ पे पड़ा हुआ है, उतनी खास धूप नहीं आई है। आइए अपनी गाड़ी। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है और मतलब जो रेल लाइन है उसका व्यू देखना चाहोगे, ये देखो। गाड़ी को लॉक नहीं किया है क्योंकि गाड़ी नज़र के सामने ही है, इसलिए ये गाड़ी को क्या हुआ है, पूरा तिरपाल विरपाल बांध के रखा है, मुंह ढक के रखा है दुल्हन का, ज़रूर एक्सीडेंट हुआ है। ये है रेल लाइन का व्यू कुछ। तो गाइस टाइम हो गया है 11:15 और अभी यहाँ से निकल ले ये वाली जगह से, अब देखते हैं सीधा घर जाना होगा या कहीं और। तो गाइस आ चुके हैं घर के पास और 1 बज गए लगभग, पूरे 1 बजे, एकदम पक्का 1 बज गए, 1 बजे घर के पास आए हैं। अभी जाएंगे नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होकर फिर से निकलेंगे क्योंकि दोबारा फिर निकलना है ड्यूटी के लिए। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को एंड यहीं पे, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग और अभी का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक तो लाइक कर देना और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।